नासिक ओझर से निकले हैं धूले के लिए। धूले 118 किलोमीटर और इंदौर 380 किलोमीटर है। वापस जाएंगे ना तो दोनों ट्रिप को मैच कर लेना, इस बीच में जितनी भी दिन गाड़ी चली है उसका कुल एवरेज क्या है पता चलेगा। ट्रिप भी तो एक साल से चल रहे इसमें हजारों किलोमीटर है। ट्रिप भी? हाँ ट्रिप भी। हाँ तो एवरेज क्या है? हाँ कि किलोमीटर है? किलोमीटर नहीं तो एवरेज बता देगा। हाँ तो हमें मालूम करना है टोटल एवरेज। हाँ बताइएगा। ये गाड़ी मेरी इस आईने से गायब हो गई थी और मुझे लिव जाना था। मेरी आदत है अगर इस पे देखूँगा और फिर साइड पे देखूँगा तो जब साइड पे देखा तो ये नज़र आ गई तो रुक गया मैं। यूपी में साइड का मिरर बंद रखते हैं, पता नहीं कैसे चला लेते हैं गाड़ी। और बाइक वाले मिरर ही नहीं लगाते हैं, लोग यहाँ मिरर लगाते हैं यहाँ वो अपना चेहरा देखने के लिए लगाते हैं। पेट्रोल भी भरवा लेते हैं, पेट्रोल के लिए रुकना पड़ेगा। आधी टंकी तो हो गई, दो घंटा होने वाले हैं, 200 रेस्ट लेने का टाइम आ गया है, इसीलिए पेट्रोल पंप ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बाथरूम वगैरह अच्छे होते हैं, क्लीन। पेट्रोल पंप वाले फैसिलिटी अच्छी देते हैं। लेकिन ये खंडार पड़ा हुआ है, बंद है। बाजू में ढाबा है वहाँ चलते हैं। हाँ गूगल को नहीं पता कि बंद है, यहाँ से जा सकते हैं। उससे पहले 300 चली थी पेट्रोल लगाने में।
फुल टंकी पे 256 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 296 किलोमीटर और चलेगी, इतना पेट्रोल टंकी में है। इसलिए पेट्रोल भरवाना कैंसिल, सिर्फ फारिग होना मकसद है। 50% पेट्रोल खत्म हो गया तो 296 35 लीटर की टंकी है, लेकिन 35 लीटर पेट्रोल आता नहीं है, 30 लीटर आता है। लेकिन अभी दो ब्रेक और लेंगे ना, हाँ लंच के टाइम भरवा लेंगे। 15 मिनट का स्टॉप हो चुका है, अब चलते हैं धूले के लिए। कांच के साथ स्कैन यहीं पे हो गया है, और फास्ट टैग से टूल टैग से कट चुका है। नीचे लगाएं, चलो चलो स्कैन हो गया। इंदौर 300 किलोमीटर बचा है हाईवे पे, 354 किलोमीटर तो सिटी के अंदर के बारे में बता रहा है। इंदौर सिटी काफ़ी बड़ी सिटी है, छोटी नहीं है इंदौर। धूले 91 किलोमीटर। मनमाड़ जाना हो तो राइट टर्न मारना पड़ेगा आगे से, और शिरडी भी उसी के उसी लाइन में है, मनमाड़ लाइन में। 5 घंटा और लगेगा।
धूले आने में भी टाइम लगेगा, अगली वीडियो में बाकी का हिस्सा दिखाता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।